सबसे पहला सवाल पूछा है अजय गेमिंग ऑफिशियल ने, भाई क्या लगता है भेड़िया 100 करोड़ वर्ल्ड वाइड कमा पाएगी क्या? देखो अभी तक भेड़िया फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 66 करोड़ का कलेक्शन किया है और आज संडे तक ये फिल्म 70-75 करोड़ तक जा सकती है। अच्छी बात यह है कि अभी 16 तारीख तक कोई भी बड़ी फिल्म नहीं रिलीज हो रही है, तो कह सकते हैं कि वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर भेड़िया फिल्म 100 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। अमित मंदा कहते हैं, भाई कभी तो सवाल ले लिया करो भाई, पंचायत और फैमिली मैन का तीसरा सीजन कब आएगा? पंचायत के सीजन 3 से जुड़ी अभी कोई अपडेट नहीं आई है, लेकिन द फैमिली मैन का तीसरा सीजन बहुत ही जल्द आने वाला है। सीरीज के एक्टर मनोज वाजपेयी ने कहा था कि अभी सीरीज के डायरेक्टर अपने दूसरे प्रोजेक्ट में बिजी हैं जो कि साल के एंड तक फ्री हो जाएंगे, तो उसके बाद फैमिली मैन सीजन 3 की शूटिंग स्टार्ट होगी। द फैमिली मैन सीजन 3 की शूटिंग 2023 में स्टार्ट होगी और ये सीरीज 2023 के एंड तक आ सकती है। यूजर C06W कहते हैं, रोहित शेट्टी क्या कॉमेडी यूनिवर्स बना रहे हैं? जी हाँ, सर्कस फिल्म के ट्रेलर को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि अब रोहित शेट्टी एक कॉमेडी यूनिवर्स भी बनाने वाले हैं। सर्कस फिल्म के ट्रेलर में दिखाया गया है कि ये फिल्म रोहित शेट्टी की कई फिल्मों से कनेक्ट होगी, जैसे कि चेन्नई एक्सप्रेस, दिलवाले और गोलमाल। तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा कि ये फिल्म किन किन वजहों से उन फिल्मों से कनेक्ट होती है। वैसे आप सबको सर्कस फिल्म का ट्रेलर कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। जोहेब गिलानी कहते हैं कि भाई कम से कम इस बार तो सवाल ले लो, गणपत और मिर्जापुर सीजन 3 से जुड़ी कोई अपडेट दे दो। मिर्जापुर सीजन 3 से जुड़ी यही अपडेट है कि इन दिनों सीजन 3 की शूटिंग चल रही है। आने वाले कुछ दिनों में मिर्जापुर सीजन 3 की शूटिंग कंप्लीट होगी और ये सीरीज 2023 में देखने को मिलेगी। गणपत पार्ट 1 इसी महीने 23 दिसंबर को आने वाली थी, लेकिन अभी हाल ही में फिल्म की रिलीज डेट को हटा दिया गया है, तो अब ये फिल्म 23 दिसंबर को नहीं रिलीज होगी। नई रिलीज डेट अभी अनाउंस नहीं की गई है, लेकिन अब ये फिल्म भी 2023 में ही रिलीज होगी। राकेश मौर्या का सवाल है, स्त्री यूनिवर्स अपकमिंग मूवीज। स्त्री यानी कि हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में आगे कई फिल्में आने वाली हैं, जैसे कि स्त्री का दूसरा पार्ट 2023 में रिलीज होगा। उसके बाद मुंजा नाम की एक फिल्म आएगी जो 2024 में रिलीज होगी और आयुष्मान खुराना के वैम्पायर वाली मूवी भी 2024 में ही रिलीज होगी। उसके बाद सुनहरी सुनहरा, रूही रिटर्न और भी कई फिल्में आने वाली हैं, लेकिन अभी इन फिल्मों में काफी टाइम लगेगा। वैसे तो अपने यहाँ काफी सारी सिनेमेटिक यूनिवर्स बन रही है, लेकिन अभी ये सब साल में सिर्फ एक ही फिल्म रिलीज कर रहे हैं। कोई भी यूनिवर्स हो, जहाँ तक मुझे लगता है एक साल में कम से कम 2 या 3 फिल्में तो आनी ही चाहिए, जैसे कि MCU और DC करते हैं। आपको क्या लगता है? रेहाना बेगम का सवाल है, थुनिवु वर्ल्डर वेरिया और वीरा सिम्हा रेड्डी हिंदी डब में आएगी कि नहीं? नहीं, अभी इन फिल्मों के हिंदी डब से जुड़ी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है। संक्रांति 2023 पर अभी सिर्फ वरिसु फिल्म के बारे में ही बताया गया है कि ये फिल्म हिंदी डब में भी रिलीज होगी। बाकी थुनिवु वर्ल्डर वेरिया और वीरा सिम्हा रेड्डी से जुड़ी कोई भी अपडेट नहीं आई है। रिलीज तो होनी चाहिए, क्योंकि आजकल साउथ की काफी सारी फिल्में हिंदी डब में रिलीज होती हैं। तो अब देखते हैं आगे क्या अपडेट आता है। मिस्टर टॉप कहते हैं, शाहिद भाई पठान सॉन्ग कब आएगा प्लीज बता दो। अभी कोई ऑफिशियल अपडेट तो नहीं आई है, लेकिन रूमर था कि पठान का पहला सॉन्ग दिसंबर के इसी फर्स्ट वीक में रिलीज होगा। अभी तक तो कोई अपडेट नहीं आई है, तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। जावेद से कहते हैं, प्लीज शाहिद भाई मेरा सवाल है कि स्क्विड गेम सीजन 2 और बर्लिन सीरीज कब आएगी? स्क्विड गेम सीजन 2 के अनाउंसमेंट हो गई है और बहुत जल्द सीजन 2 की शूटिंग स्टार्ट होगी। स्क्विड गेम के मेकर्स ने कहा है कि सीजन 2 2023 एंड या फिर 2024 में आ सकती है, तो अभी कम से कम एक साल के बाद ही हमें स्क्विड गेम का दूसरा सीजन देखने को मिलेगा। मनी हाइस्ट स्पिन ऑफ यानी कि बर्लिन की शूटिंग अभी चल रही है, जो कि कुछ ही दिनों में कंप्लीट हो जाएगी। रिलीज डेट अभी अनाउंस नहीं की गई है, लेकिन बर्लिन सीरीज भी 2023 में ही रिलीज होगी। हिटलर बेबी का सवाल है, 27 दिसंबर को सलमान खान के जन्मदिन पर कुछ टीजर या अनाउंसमेंट होगा क्या, और नो एंट्री के सिक्वल का क्या हुआ? नो एंट्री के सिक्वल को फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। एक तरफ अनीस बज्मी कुछ नई फिल्में डायरेक्ट करने जा रहे हैं, वहीं सलमान खान के पास भी 2024 तक टाइम नहीं है, क्योंकि किसी का भाई किसी की जान के बाद अब वो टाइगर 3 की बची हुई शूटिंग पूरी करेंगे। उसके बाद बजरंगी भाईजान के सिक्वल की शूटिंग स्टार्ट हो सकती है, तो अभी नो एंट्री का सिक्वल नहीं आएगा। रही बात सलमान खान के जन्मदिन की, तो कुछ तो अनाउंसमेंट होना ही चाहिए। तबरेज ऑफिशियल पूछते हैं, मून नाइट सीजन 2 का कुछ अपडेट है क्या, और मोरबियस 2 का भी?
नहीं, मोरबियस का दूसरा पार्ट नहीं आएगा। रही बात मून नाइट सीजन 2 की, तो मून नाइट सीजन 2 से जुड़ी अभी कोई नई अपडेट नहीं आई है, लेकिन मून नाइट का रोल प्ले करने वाले एक्टर ऑस्कर आइजैक ने कहा है कि वो मून नाइट के रोल के लिए दोबारा से स्टूडियो से बात कर रहे हैं। या तो वो मून नाइट का दूसरा सीजन होगा या फिर मून नाइट एमसीयू की किसी बड़ी फिल्म में नजर आएगा। तो अब देखते हैं मून नाइट से जुड़ी अगली अपडेट कब तक आती है। डिस्क कहते हैं, क्या फाइटर यशराज के स्पाई यूनिवर्स का पार्ट है और ऋतिक रामायण 3D में रावण का रोल प्ले कर रहे हैं, इसके बारे में आपको क्या लगता है? हाँ, ये खबर सही है कि ऋतिक रोशन नितेश तिवारी की रामायण में रावण का रोल प्ले करेंगे, लेकिन फिल्म की शूटिंग कब स्टार्ट होगी, ये फिल्म कब रिलीज होगी, तो अभी इस बारे में कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है। फाइटर फिल्म को सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये फिल्म स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा नहीं होगी। अभी तक तो कोई अपडेट नहीं आई है, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। जैसे कहते हैं, फर्जी सीरीज कब आएगी भैया, प्लीज जवाब देना। जैद भाई, फर्जी सीरीज से जुड़ी अभी कोई भी अपडेट नहीं आई है, लेकिन इतना जरूर कहा गया है कि ये सीरीज भी 2023 में ही देखने को मिलेगी। सुहिल बासा का सवाल है, क्या सर्कस मूवी हिट हो पाएगी, ट्रेलर को देखकर ऐसा नहीं लग रहा। जी हाँ, ये बात तो सही है कि सर्कस फिल्म का ट्रेलर कुछ खास नहीं लगा। अगर आप संजय मिश्रा और जॉनी लीवर को हटा दें तो ट्रेलर में कुछ भी नहीं है, लेकिन हमें ये बात बिल्कुल भी नहीं भूलनी चाहिए कि ये रोहित शेट्टी की फिल्म है जिन्होंने गोलमाल, चेन्नई एक्सप्रेस और बोल बच्चन जैसी बेहतरीन कॉमेडी फिल्मों को डायरेक्ट किया है, तो ये फिल्म भी कुछ अच्छी हो सकती है। ट्रेलर देखकर कुछ कह नहीं सकते, तो अब देखते हैं सर्कस फिल्म कैसी होती है, लेकिन ये बात सच है कि ट्रेलर अच्छा नहीं है। साथ ही शिव कुमार कहते हैं कि आपको क्या लगता है कि सर्कस 100 करोड़ का कलेक्शन कर पाएगी। जैसा कि मैंने कहा कि फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा कि ये फिल्म आगे कैसी जाएगी। रोहित शेट्टी की फिल्म है, इसीलिए थोड़ी उम्मीद जरूर है कि इस फिल्म में कुछ तो अलग देखने को मिलेगा। संतोष बागिल कहते हैं कि भाई, सर्कस मूवी 60s की है तो गोलमाल से कैसे कनेक्ट होगी। 60s की है इसीलिए तो ट्रेलर में गोलमाल की टीम का बचपन वाला करेक्टर दिखाया गया है। बाकी तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा कि रोहित शेट्टी ने सर्कस फिल्म के साथ बाकी फिल्मों को कैसे जोड़ा है। अगला और आखिरी सवाल पूछा है देवासी सदक ने, पुनीत राजकुमार सर की दवित्व मूवी क्या हुआ। हम्बल फिल्म्स ने दवित्व मूवी के लिए पुनीत राजकुमार को साइन किया था, लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि पुनीत राजकुमार सर अब हमारे बीच नहीं है, तो मेरे हिसाब से अब इस फिल्म को बंद कर दिया गया है। कोई ऑफिशियल अपडेट तो नहीं आई है, लेकिन दो बातें हो सकती हैं, या तो फिल्म को बंद कर दिया गया है या फिर इस फिल्म में किसी और एक्टर को साइन किया जाएगा। तो अब देखते हैं दवित्व फिल्म से जुड़ी अगली अपडेट कब तक आती है। वैसे पुनीत राजकुमार सर की कौन सी फिल्म आप सबको सबसे ज्यादा अच्छी लगी है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।